आप लोग का एग्जाम कैसा गया? जी बहुत अच्छा। कितना नंबर आ जाएगा? 80 में 80। हाँ लग रहा होगा, लेकिन आ सकता है। इजी क्वेश्चन था कि हार्ड क्वेश्चन था आज का? इजी क्वेश्चन था। ऑब्जेक्टिव कितना करेक्ट किए हैं? 25। बहुत कम नहीं हो जा रहा है? ज्यादा हो सकता है। अच्छा एग्जाम कैसा गया आज का? आज का एग्जाम बहुत अच्छा गया था, आज का सब्जेक्ट था हिंदी इसलिए अच्छा गया है। कितना नंबर आ जाएगा? मेरा नंबर पास होने लायक आ जाएगा, अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो मेरा 30 क्वेश्चन सही होगा। आपको फुल मार्क्स आ जाएगा? नहीं पता। अच्छा ऑब्जेक्टिव आप कितना सही बनाए हैं? लगभग ढेरे बनाए हैं सही। ढेरे मतलब 40 में? क्या पता। सो हे गाइस, आप सभी का अपने HDS ट्यूटोरियल पर स्वागत है। अभी मैं फिर से क्लास 10th का आज एग्जाम है तो उन्हीं लोग से फीडबैक लेने के लिए आया हुआ हूँ। मेरे ही जिला में सिमडेगा और वुमेंस कॉलेज है सिमडेगा का, अभी नया खुला है। कॉलेज के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता है बट नज़दीक है मेरा घर, तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पर आई थिंक सिर्फ गर्ल्स मिलेगी, तो उन्हीं से हम लोग जानेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया है। आज हिंदी का एग्ज़ाम था, टाइम हो चुका है, कुछ बच्चे बाहर आ भी रहे हैं, उन्हें थोड़ा नज़दीक आने दे लेते हैं, उसके बाद हम लोग उन्हीं से पूछेंगे कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया है, क्वेश्चन हार्ड था या फास्ट था। आपका नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम प्रियंका कुमारी है। हाँ एग्जाम कैसा गया आज का? आज का एग्जाम बहुत अच्छा गया था, आज का सब्जेक्ट था हिंदी इसलिए अच्छा गया है। इजी मतलब क्वेश्चन मीडियम था, इजी था या फिर बहुत हार्ड था, कैसा था क्वेश्चन? मीडियम ही था, जो क्वेश्चन था बुक से ही आया था। और अक्सर लोग पूछते हैं शर्मा वर्मा किसी से भिड़ा था? नहीं भिड़ा था हमको जहाँ तक लगता है वर्मा का था। वर्मा का था। आपका लगभग कितना नंबर आ जाएगा? मेरा नंबर पास होने लायक आ जाएगा। आप बोले अच्छा गया है, 40 से ऊपर आ सकता है। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स करके 40? अगर ऑब्जेक्टिव देखा जाए तो मेरा 30 क्वेश्चन सही होगा, सब्जेक्टिव में अच्छा मैं भी हो जाएगा 25-30 इतना आ जाएगा। मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ठीक है चलिए। थैंक यू सो मच। आपका नाम? पूजा कुमारी। आज का एग्जाम कैसा गया? बहुत अच्छा गया। इजी था क्वेश्चन या फिर फास्ट था? इजी था। आपको फुल मार्क्स आ जाएगा? नहीं पता। अच्छा ऑब्जेक्टिव आप कितना सही बनाए हैं? लगभग ढेरे बनाए हैं सही। ढेरे मतलब 40 में? क्या पता 40 में। अच्छा ठीक है एक मिनट। हाँ ठीक है, तो आपको सबसे फास्ट क्वेश्चन कौन सा लगा, मतलब हार्ड क्वेश्चन? सब्जेक्टिव हार्ड लग रहा था। कौन सा क्वेश्चन हार्ड लगा? अच्छा एक बार हम क्वेश्चन देखें। अच्छा हम बाद में देख लेंगे क्वेश्चन, ठीक है हम किसी से ले लेंगे। तो एक मिनट ग्रामर से ज़्यादा अंदर डिप जा रहा था या बाहर था थोड़ा सा? अच्छा बच्चे डर रहे हैं, बॉयज दिख ही नहीं रहे, मैं किससे पूछूं, कोई दिक्कत नहीं है इनसे इनसे एनी में। अब उनका हो गया। आप लोग का एग्जाम कैसा गया? जी बहुत अच्छा। कितना नंबर आ जाएगा? 80 में 80। हाँ लग रहा होगा, लेकिन आ सकता है। इजी क्वेश्चन था कि हार्ड क्वेश्चन था आज का? इजी क्वेश्चन था। और आसान था कि इजी था? आसान था, बहुत ही आसान था। ठीक है, तो सबसे इजी क्वेश्चन आपको कौन सा लगा? विज्ञापन आया था। किस पर विज्ञापन देना था? विज्ञापन देना था शिक्षा पर, बढ़ाने पर। शिक्षा बढ़ाने पर, चलिए ठीक है। आपका कितना ऑब्जेक्टिव कितना सही होना चाहिए आपको लगता है? लगभग मैं 5 गलत होगा और 45 ऑब्जेक्टिव सही हो जाएगा। एंड आई थिंक आई नो यू, ऐसा जानता हूँ। आपका नाम? नैशा कीड़ो। नैशा, तो आपका कितना सही हो रहा है? कितना ऑब्जेक्टिव कितना करेक्ट किए हैं? 25। बहुत कम नहीं हो जा रहा है? 25 ज़्यादा हो सकता है। अच्छा बाकी फेंक दिए हैं? हम बहुत ज़्यादा करा लिए अपना थोड़ा। सल्डे का चौक के बगल में घर है, ठीक है। हाँ आप? अच्छा आपको देखा लग रहा है। बचपन में मैं इसे पढ़ाया था, मुझे याद नहीं है। छोटी से क्या पढ़ाने थे आपके में? अच्छा हाँ, इसलिए चेहरा थोड़ा सा याद लग रहा है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से दीजिएगा। ठीक है, सो गाइस फाइनली लगभग अप्रोक्स काफ़ी बच्चे बाहर निकल गए हैं और हिंदी सब्जेक्ट था तो हिंदी तो सबका फेवरेट होता है, अच्छा ही गया होगा सबका।
आई होप आप लोग का भी अच्छा गया होगा। आप लोगों का कैसा गया एग्जाम कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप लोग किस जिले से वीडियो देख रहे हैं यह भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक एंड ढेर सारी शुभकामना। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए गुड डे।